क्या कहा तूने? वही कहा जो आपने सुना। मैंने कहा मेरे खिलाफ जाने की गलती भी मत करना, वरना वरना क्या कर लेगी? ज्यादा बकवास की ना। बस बहुत हो गया, अब ना आप कुछ बोलेंगी और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। इस घर में सबने मेरे साथ गलत किया है। अगर परी ने मेरे साथ गलत किया है तो आपने भी किया है। अगर वो सजा की हकदार है ना तो आप भी है। तेनु पता भी है कि तू किससे बात कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ऐसे बात करे? क्या कहा आपने? हिम्मत? मेरी हिम्मत की बात बाद में करना, पहले मुझे ये बताइए कि आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है ये कहने की कि आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। कब दिया आपने मेरा साथ? और झूठ मूठ में एक आधी बार बोल देना कि नीति अच्छी है, नीति सच्ची है और परी गलत, उसे आप साथ देना कहती है? नहीं, बाजवा परिवार ने हमेशा मुझे तकलीफें ही दी हैं। सबने साथ दिया है परी का मेरा घर उजाड़ने में, और आजकल तो बड़ा प्यार आ रहा है परी पर। क्या लगता है आपको मुझे कुछ दिखाई नहीं देता? सब देख रही हूं मैं। कैसे आप फूले नहीं समा रही थी जब सब आपको उसकी सास कह के पुकार रहे थे? इसलिए ये बकवास मेरे सामने मत करना। तो ये है तेरा असली चेहरा? मेरा असली चेहरा तो अभी तक आपने देखा ही नहीं है। मेरा असली चेहरा तो आज सबके सामने आएगा, लेकिन कोई देख नहीं पाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आज तक सबने मुझे धोखा दिया, सबने मेरी पीठ पे चूरा घोंपा है। मेरे दिल में एक एक घाव आज भी नासूर बनकर मुझे दर्द दे रहा है, लेकिन आज रात मैं अपने दिल पर लगे एक एक घाव का बदला लूंगी परी से। उसने जो धोखा दिया है ना मुझे, उसकी सजा दूंगी आज मैं उसे, और उसकी सजा है उसकी मौत। हिम्मत भी मत करना, क्योंकि परी मेरी बहू है। वैसे बातों की गरजने की आवाज आती है ना, मुझे बहुत डर लगने लगता है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम बस शांत से रिलैक्स। मैं कोशिश कर रही हूं लेकिन नहीं हो रहा है रिलैक्स। अरे मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। तुम ये सब मौसम वगैरह इस पे ना फोकस मत करो, बस जगराते पे फोकस करो। काश मैं ऐसा कर पाती। राजीव, हमें ना नीति को ढूंढना होगा। तुमने फोन किया उसको? हाँ मैंने किया था, लेकिन उसका फोन आउट ऑफ रीच दिखा रहा है। मुझे नहीं पता, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो होने वाला है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ, ठीक है? और अपना ध्यान रखना, कुछ भी हो तो फोन करना। हाँ। क्या कहा आपने? बहू? हाँ, बहू है वो मेरी। आपने परी के लिए मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। और अगर अब भी तूने परी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो तेरा ये हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगी। समझती क्या है तू अपने आप को? सास हूं जब तक तेरी थी तेरा साथ दिया, अब परी की सास हूं तो परी का साथ दूंगी। तूने झूमर गिरा के उसे मारने की कोशिश की है ना,
अब तो मैनू पक्का यकीन हो गया है। प्रजाई जी जो कह रही थी बिल्कुल सही था। तूने चरणामृत में जरूर कुछ मिलाया था। प्रजाई जी ने तुझे देख लिया है ना, और फिर तू इतनी चलाक है कि तू अपना खेल खेल गई, बच गई तू वहाँ पर। मेरी समझ में अच्छे से आ गया है, तेरे सारे दाव पेच फेल हो गए, इसलिए तू वहाँ वो फिसलने वाला पाउडर डाल रही थी ताकि परी वहाँ से फिसल कर गिर जाए, उसकी जान चली जाए। मम्मी जी, चुप! नहीं करूंगी मैं, चुप! और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ये सब कुछ परी को मारने के लिए ही कर रही थी। तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। नहीं चाहिए मुझे वापस जल्दी से परी जन्म दे। और उसके साथ वो बच्चा भी मर जाए तो ही बेहतर होगा। अगर मेरी बहू और उसके बच्चे भी आ रहे हो कुछ भी कारण, तो मैं तेरी जान ले लूंगी। ये गलती मत करना, ना तो मुझ पर हाथ उठाने की और ना ही परी को अपनी बहू बोलने की। जल्दी ले जाओ मेरा फोन। अरे जल्दी चलाओ, पहुंचने में देर ना हो जाए। अरे अब उसको पीछे बैठा दिया है, तू तो ढंग से तेज चला, हमको जल्दी मेरा हाउस पहुंचना है और उस लड़की को रोकना है। कहां जा रही सरपट? अरे एक्सीडेंट हो गया लग रहा है। अरे निकालो इनको जरा। माँ कुछ नहीं होगा आपको, बस पहुंच गए लोग। मम्मी जी क्या हुआ इसे, ये चल क्यों नहीं रही है? सुनिए प्लीज डॉक्टर को बुलाइए ना, इमरजेंसी है प्लीज। ये तो एक्सीडेंट केस लग रहा है, और यहाँ लाने से पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। जब एफआईआर की कॉपी मिलेगी तभी हम कुछ कर सकते हैं। कैसी बातें कर रही हैं आप, प्लीज हमारी इमरजेंसी समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैम यहाँ का रूल है, मैं कुछ नहीं कर सकते। रूल्स? कोई यहाँ मर रहा है, आपको रूल्स की पड़ी है? प्लीज आप पहले ट्रीटमेंट तो शुरू कीजिए, फिर आप जैसे कहोगे हम वैसा करने को तैयार है प्लीज। सारी गलती आप ही की है मम्मी जी, आप वहाँ आई ही क्यों थी? आपकी जगह परी को आना था, वो आई होती तो आपकी जगह वो होती, वो तड़प रही होती दर्द से, आप नहीं। और जाओ मेरे खिलाफ, बस अब इतना रैप करना कि मर जाना। और ये परी हर जगह झांसी की रानी लड़ने को तैयार हो जाती, क्या जरूरत है इतना बोलने की? इसकी माँ थोड़ी ना है कि अब इसकी बातें सुन के रिसेप्शनिस्ट ने डॉक्टर से बात कर ली और मम्मी जी को एडमिट कर लिया तो, और वो बाई चांस बच गई, तो मेरा क्या होगा? डॉक्टर साहब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज समझने। क्या हुआ है, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? डॉक्टर डॉक्टर ये मेरी सास है, ये छत से गिर गई है और ये हमें कह रही है कि पहले हमें एफआईआर की कॉपी लानी होगी। डॉक्टर प्लीज, किसी की जान बचाना आप लोगों का धर्म है, प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए प्लीज। डॉक्टर प्लीज काम डाउन हो जाइए, डरिए मत, हम इनका इलाज अभी शुरू कर देते हैं, बट वी वुड नीड अ पर्सन जो इनके लिए एक कंसेंट फॉर्म साइन करे, तो कोई है आपके पास? ये मेरी माँ है और मैं इनके लिए कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस ट्रीटमेंट शुरू कीजिए प्लीज जल्दी। आप चलिए जल्दी चलिए प्लीज। कोई कुछ भी कहे हमारी दोस्ती के लिए, दुनिया चाहे कितनी ही मिसालें दे दे, बट परी तू कभी अच्छी दोस्त नहीं बन पाई, सिर्फ नाटक करती रही अच्छी दोस्त बनने का, बेस्ट फ्रेंड होने का। दोस्त तो वो होते हैं जो बिना कुछ कहे एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं। तुझे इतनी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है कि मैं तेरी सास की मौत चाहती हूँ और तू है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है? दोस्ती निभा ना परी। डॉक्टर जब से माँ गिरी है ना इनको होश नहीं आया, आप ही कुछ कर सकते हैं डॉक्टर प्लीज जल्दी से। हम इनका इलाज अभी के अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर में सारे डिटेल्स दे देंगे, तब तक आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए। थैंक यू डॉक्टर, आप चलिए चलिए प्लीज। अरे जो कुछ भी तुमने मेरी माँ के लिए किया है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। बोल रहे हो तुम, तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है राजीव। My God, आज की रात भी क्या ही रात है, जिसे देखो परी पुराण गा रहा है, जगराते में औरतें और यहाँ ये डॉक्टर और सज्जू।